नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। मौसम में दिन ब दिन बदलाव हो रहा है। दिन के समय कड़ी धूप होती है तो कभी तेज हवाएं चलती है। जाहिर सी बात है कि मौसम के इस बदले बदले मिजाज का सीधा असर हमारी सेहत और त्वचा पर पड़ सकता है। बदलते मौसम में हमारी त्वचा रूखी और बेजान भी हो सकती है। जरूरत है हमें इस मौसम में अपनी त्वचा की सही देखभाल की। अब सवाल ये उठता है कि मौसमी त्वचा की समस्या जैसे स्किन एलर्जी, एक्ने, एक्सट्रीम ड्राइनेस और डार्क सर्कल जैसी समस्याओं से बचने के लिए अपना ध्यान कैसे रखें और डॉक्टर से कब संपर्क करें, तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043863, 01725043865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। त्वचा से संबंधित सभी समस्याओं के सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल स्किन हॉस्पिटल पंचकुला से स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा। डॉक्टर शर्मा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी विंडी मार्च है, काफी तेज हवाएं चलती हैं, दिन के समय में काफी तेज धूप भी होती है, सुबह को ठंड होती है, शाम को ठंड होती है, तो इस दौरान किस तरह की स्किन की समस्याएं होती हैं? जी हाँ, देखिए, स्किन बेसिकली इट्स द लार्जेस्ट एंड द आउटरमोस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी सिस्टम। तो कुछ भी जो एनवायरमेंट में बदलाव हैं या एनवायरमेंटल एलर्जेंस हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं, तो इन सब का जो सामना है वो सबसे पहले अपने लार्जेस्ट और आउटर मोस्ट बॉडी ऑर्गन को करना पड़ता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी का स्किन इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उसका स्किन कितना हाइड्रेटेड है और उसकी स्किन में वो सारे मिनरल्स और इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने ज़रूरी हैं ताकि वो इन बदलाव का, जो मौसम के बदलाव हैं और जो एनवायरमेंटल एजेंट्स जो दिन प्रतिदिन अब बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पोल्यूशन डे बाय डे ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो जो स्किन के केसेस हमारे पास सामने आ रहे हैं वो बहुत ही अधिक हो चुके हैं ज़्यादा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स और स्किन बैरियर क्रीम्स का सही उपयोग करते हुए हम इन सब चीजों से बच सकें और उनसे फाइट कर सकें। जी, इस दौरान जैसे स्किन एलर्जी वगैरह की काफी समस्या होती है, ड्राइनेस की काफी समस्या होती है, तेज हवाएं चलती हैं, क्या यही वजह है कि स्किन में काफी ड्राइनेस होता है? जी हाँ, बेसिकली इनका भी असर होता है क्योंकि जो अपनी स्किन का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, नाउ दैट इज द मोस्ट वाइटल लेयर ऑफ अवर स्किन, और उसके जो सेल्स की जो वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी है वो डिटरमिन करती है कि हम जो इन एनवायरमेंटल एजेंट्स से स्किन कितनी जल्दी किसी की ड्राई रहती है या उसका भरपूर तरीके से वो सामना कर सकती है। तो जितने भी एनवायरमेंटल एजेंट्स हैं वो सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो हाइड्रेशन कंटेंट है उसको सोख लेती हैं। तो इसीलिए देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस जिसमें सबसे पहले ड्राइनेस ही आती है, और जब एक बार किसी की स्किन अगर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है उसकी ड्राई होने की, then he or she becomes more prone to develop lot of skin allergies as well as skin infections. जी, जैसा कि आपने कहा कि skin infection भी उन्हें हो सकता है जिनको dryness की problem है, तो उनको क्या करना चाहिए जिन्हें बहुत ज़्यादा dryness की समस्या है? बहुत important है कि एक तो सही उपयोग moisturizers का करना। जो moisturizer का जो real meaning है that is basically to entrap the water that is present inside our skin. तो उसका जो सही उपयोग है वो तभी होता है अगर हम कोई भी अपना फेस वॉश कर रहे हैं या नहा रहे हैं तो उसके विद इन 5 मिनट्स ही हम उपयोग करें मॉइस्चराइजर का, ताकि जो वाटर कंटेंट है वो एंट्रैप हो जाए। बिकॉज बहुत से लोग क्या करते हैं कि मॉइस्चराइजर को बहुत ज़्यादा भी लगा लेते हैं और उसका गलत समय पर उपयोग करते हैं। मॉइस्चराइजर का जो सही उपयोग एज वेल एज जो हम पानी जो इस्तेमाल करते हैं, एक तो हम अगर बहुत ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ करें दैट कैन ऑल्सो डिहाइड्रेट अवर टॉप मोस्ट लेयर। तो इस मौसम में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड यूज़ आइदर वेरी माइल्ड ल्यूकवार्म वाटर और नॉर्मल वाटर। जी, जैसा कि आपने कहा कि काफी तेज मतलब काफी ज्यादा गर्म पानी यूज ना करना चाहिए क्योंकि उससे भी ड्राइनेस की समस्या होती है। हाँ जी, ड्राइनेस की ये बात हो गई, जिनको स्किन एलर्जी है और इस दौरान जैसे अब काफी धूल है, मिट्टी है, तो उससे क्या क्या समस्याएं बढ़ सकती हैं?
जी हाँ, मॉइस्चराइजर के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपना जो बॉडी सिस्टम है उसमें फ्लूइड्स की इनटेक वो प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है. सो एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ स्पेशली पपाया, अनार बहुत हेल्पफुल है अपने स्किन और हेयर के लिए. ना सिर्फ स्किन बल्कि हेयर की जो ड्राइनेस है वो हर एक इंसान को हेयर लॉस और प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को प्रोन कर देता है. तो हेयर का भी एक सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है. स्किन एलर्जीज जो हैं वो डेफिनेटली उन लोगों को ज़्यादा होंगी जिनकी स्किन और हेयर जो है वो एक्सेसिवली ड्राई हैं. क्योंकि जितने भी एनवायरमेंटल एजेंट्स हैं वो अब इतने हजारों और लाखों हैं और कुछ इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिनसे हम बच ही नहीं सकते. तो हाइड्रेशन फ्लूइड्स के द्वारा करना या मॉइस्चराइजर के उपयोग के द्वारा करना वो भी एक काफी हद तक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है टू फाइट अगेंस्ट. डॉक्टर शर्मा हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं उनकी त्वचा से संबंधित क्या समस्या है. हेलो. हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग. आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं. मैम मैं दिल्ली फैजाबाद से बोल रहा हूँ, सतीश कुमार. जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर शर्मा से. हाँ जी, गुड इवनिंग सर. हाँ जी, गुड इवनिंग सर. एक्चुअली मुझे थोड़ा ना मेरी स्किन में ड्राई ड्राई रहता है, जैसे मैंने कोई लाइन खींची तो व्हाइट हो जाता है शरीर, और उसके बाद जो है ना शरीर पे मेरी झुर्रियां थोड़ी मतलब झुर्रियां महसूस होती है पूरे शरीर पर मुझे लाइन लाइन में. जी हाँ, कितनी एज कितनी है आपकी. जी सतीश, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, उसके बाद आप सवाल का जवाब दीजिए डॉक्टर शर्मा के. उम्र कितनी है आपकी. मेरी 30+ है. राइट. जी हाँ, देखिए ऐसा होता है कि एक 25 इयर्स ऑनवर्ड्स जो है स्किन में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, और 30 इयर्स के बाद रिंकल्स, कईयों के फाइन रिंकल्स तो पड़ने शुरू हो जाते हैं, बट अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ड्राई है तो उसको प्री मेच्योर एजिंग के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. तो जो वाइट लाइन आप कह रहे हैं दैट इज बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ कंडीशन विच इज नोन एज सिम्टोमेटिक डर्मोग्राफिज्म, विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन इफ यू गॉट अ ड्राई स्किन. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक तो यही है कि एक तो जो अपनी बॉडी सिस्टम में आपकी फ्लूइड्स की जो मात्रा अभी आप ले रहे हैं उसको अधिक करना, एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेज ऑफ वाटर अ डे. फ्रूट्स की इनटेक भी आपको बढ़ानी पड़ेगी. स्लीप आवर्स बिल्कुल नॉर्मल होने जरूरी हैं, क्योंकि जो नॉर्मल स्किन रीजनरेशन होती है सेल्स की उसको टाइम मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्री मेच्योर जो रिंकलिंग होती है स्किन की वो तभी प्रोन होती है अगर स्किन को प्रॉपर उसकी रीजनरेशन में उसको रेस्ट का टाइम भी नहीं मिल रहा है. और सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो हाइड्रेशन के साथ साथ मॉइस्चराइजेशन ऑफ द स्किन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सन से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखनी बहुत जरूरी है. तो सनस्क्रीन विच हैज गॉट अ एसपीएफ ऑफ अराउंड 15 to 30 एटलीस्ट अलॉन्ग विद मॉइस्चराइजिंग कंटेंट्स, इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बाहर जाते वक्त. और कुछ समय तक, जब तक आपका जो हाइड्रेशन प्रॉपर इन सब चीजों से नहीं हो जाता, तब तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको रखनी पड़ेगी टू एक्सपोजर टू द एनवायरमेंटल एलर्जेंस एज वेल एज टू प्रिवेंट द एक्सेसिव एक्सपोजर टू द यूवी रेज. जी डॉक्टर शर्मा, हमारी बातचीत जारी रहेगी त्वचा से संबंधित समस्याओं के बारे में. फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का. आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं. हमारे नंबर है 01725043863, 01725043865. बस हम यूं गए और यूं आए. हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. चेंजिंग सीजन में होने वाली त्वचा की समस्याओं और इनसे बचाव पर हमारी बातचीत जारी है. अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं. हमारी फोन लाइंस खुली हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल स्किन हॉस्पिटल पंचकुला से स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा. डॉक्टर शर्मा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है. हेलो.
हेलो हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं संजय गांव मैयर से बोल रहा हूँ, सतना जिला जी। पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर शर्मा से। वॉल्यूम ठीक है, धीमा कर दूंगी। हेलो हाँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर शर्मा से। सर ये जानकारी चाहता हूँ कि ये कम 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 5-6 साल से मेरे चेहरे बिल्कुल पूरे फुंसी हो रहे हैं और शेविंग करने वाले तक कर जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जो पूरा चेहरा जो पूरे फुंसी होता है बिल्कुल काले टाइम हो जाते हैं। क्यों चेहरे पे उनके चेहरे पे काफी दाने निकल आते हैं जब वो शेविंग करते हैं तो वो कट हो जाते हैं और उनके मार्क्स हो जाते हैं, तो उन्हें क्यों होती है समस्या? राइट ये वाली जो कंडीशन है इसको बेसिकली सूडो फॉलिकुलाइटिस बार्बे कहते हैं हम। तो नॉर्मली जो आपके ये फिंसी और दाने होते हैं ये बियर्ड एरिया में होते हैं जो, या और भी फेस के अन्य हिस्सों पे भी हो जाते हैं। संजय, क्या सिर्फ जहां आपको दाढ़ी उगती है वहीं पर दाने निकलते हैं? लगता है शायद ये कॉल कट हो गया है, देखते हैं एक और कॉलर है। हेलो हेलो हाँ जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं बेनू बोल रही हूँ, शिमला से बोल रही हूँ। जी बेनू, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर शर्मा से। डॉक्टर शर्मा साहब, मेरे फेस पे फ्रैकल्स हो गए हैं, फ्रैकल्स की प्रॉब्लम आ गई है फ्रॉम लास्ट पास्ट 2 ईयर्स, तो आप उसके लिए कुछ बताइए प्लीज। जी हाँ, देखिए फ्रैकल्स बेसिकली ये कोई डिजीज नहीं होती है एंड इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिनन जो सभी में हो जाता है। एक्सेसिव सन एक्सपोजर इसका मेन कारण होता है क्योंकि कईयों की स्किन जो फेयर कलर की होती है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। आपने यूरोपियंस देखे होंगे, अंग्रेज देखे होंगे, उनके बहुत ही ज़्यादा फ्रैकल्स होते हैं। सो हर एक इंसान का अपने सेल्स की मेलानिन को होल्ड करने की एक क्षमता होती है, तो वो जेनेटिकली डिटरमिंड होती है और कईयों के जो मेलानोसाइट्स हैं वो मेलानिन को बिखेर देते हैं स्किन के डर्बल लेयर में, जिसके कारण फ्रैकल्स पड़ जाते हैं। और इनको इलेक्ट्रोकॉटरी या रेडियो फ्रिक्वेंसी के टेक्निक से हम कम कर सकते हैं, उसको पूरा 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर ताकि ये और ज़्यादा ना बढ़ें और इंक्रीज ना हो उसकी इंटेंसिटी, तो उसके लिए एक तो आपको सनस्क्रीन जिसका सन प्रोटेक्टिव फैक्टर 15 से 30 के बीच का होना बहुत ज़रूरी है अपनी इंडियन स्किन के लिए। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो स्किन का जो फ्लूइड सिस्टम है वो मेंटेन रहे, तो हाइड्रेशन का रोल इसमें भी है अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी रेज। जी आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर। एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम मेरा नाम सुखमल है, मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। जी सुखमल, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर शर्मा से। डॉक्टर, मेरे फेस पे ना काफी ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं, तो वो कैसे होंगे? देखिए ब्लैक स्पॉट्स ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर है।